One, रोलिंग कैमरा टू एक्शन क्लैप ओपनिंग एक्शन क्लैप करना है पार्ट टू ये लो ऑडियंस को बता दो कि हम दूसरी बारी कर रहे हैं आपके लिए सो दैट ये वीडियो हमने एक बारी पहले ऑलरेडी शूट कर लिया है और ये हम दूसरी बारी कर रहे हैं और ये हमने महंगे महंगे वाले माइक्स लिए हैं ब्लू ऑरेंज ने अरे वाह अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ये क्या आवाज आएगी उसमें आएगी ना माइक में आएगी भाई मेरा नहीं आ रहा ओके ये बात नाइस चलो फिर से री इंट्रोड्यूस ये तो बाद में अगर उसको फिर से स्टार्ट वीडियो स्टार्ट नाउ वी विल स्टार्ट दैट वे लेट्स गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन बिटवीन वी डू दिस बिफोर वी डू दिस स्टार्ट करो ब्रो स्टार्ट कर फिर मोकम से ये बोला ना मुझे या यू हैव टू स्टार्ट विद दिस गए अटेंशन गया पब्लिक का पूरा मन चला गया है वीडियो देखने में कौन स्टार्ट करेगा ये क्या है यार ठीक है आज ब्रो वी आर एक्चुअली पोस्टिंग आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम या इट्स बीन अ व्हाइल बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग द वीडियो टू बी दिस बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर इट एंड जे के साथ वी हैव मिस्टर वॉकिंग विद अस ऑन द जे वॉकिंग एंड अ लॉट ऑफ यू गाइस हेट हिम अ लॉट ऑफ यू गाइस लव हिम And, I had no idea people hate me, bro. This is the you first. Definitely do. This is the first time I'm hearing that somebody hates me. I've told you this multiple times. अब ये है कि in this video we have to make a few things clear because a lot of people would walk in the store. Just directly ask us, bro. Jay walking का तो shit हो गया, bro. Up, like this is it like I'm buying from you or they'll go yahan se to you and they'll be like bro what is blue orange becoming you know I've seen that people always vote for the underdog right to a point. Bro ek tell me one thing nobody will start a business just to be like I want to impress these 10 people right then uske baad they like oh now you have become too commercial now everyone is wearing it so I won't wear it what is the point of that you were rooting for me or us yeah तो कि ब्रो लाइक दिस इज समथिंग दैट यू गाइस हैव स्टार्टेड वी हैव सीन यू डू दिस ऑन योर ओन नाउ इट हैज कम टू अ लेवल वेयर जेन्युइनली यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट नाउ वी डोंट लाइक यू करेक्ट व्हाट इज अभी अभी ये नया मैंने भी देखा है ब्रो अभी जितने भी लेटेस्ट रील्स बने हैं 6-8 महीने एक साल में बेस्ट brands in India yeah. में हमारा नाम नहीं आता bro genuinely it's like अब लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई बहुत हो गया ये जे वॉकिंग ब्रो ने हाईलाइट करने का genuinely remember the time जब हमारा नाम आता था और तुम सबको दिखा दोगे कोई तुमको क्यों प्रमोट करेगा तुम दिखाओ तुम गरीब हो भूखे हो नंगे हो हमें जरूरत है तुम सामान उठा रहे हो तुम अपना पेट तोड़ रहे हो तुम ये सब वो सब दिखाओ ना तुम क्यों दिखा रहे हो दैट यू आर सक्सेसफुल देखो पता है स्टार्टिंग में वीडियोस बनाते थे ना मैन वी हम इन्वेंटरी वगैरह खुद लाते थे ये सब तब बहुत हमारे अभी अभी, अभी हम क्या करते हैं सब तीनों निकाल दो तीनों ये सब निकाल दो सब पोजेशंस निकाल दो सब फेंक दो यू नो ये बट ठीक है ब्रो देख जलने वाले की जलने वाली है कुछ लोग पसंद करते हैं कुछ लोग और ब्रो बहुत लोग बातें करते हैं लाइक आई यू नो अभी रिसेंटली ना मैं सबको सामने से जाके पूछता हूँ कुछ सुना मेरे बारे में कुछ सुना है क्या हाँ. कुछ किसी ने कुछ बताया है क्या हाँ. मेरे को अभी आदत हो गया ब्रो मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है बट मुझे भी मजा आ रहा है आई एम लविंग द अटेंशन बहुत लोग जैसे तूने बोला आके पूछते हैं क्या लगता है ब्लू ऑरेंज के बारे में कहाँ तक जाएगा क्या होगा उनको ना ऐसा लग रहा है कि हम एक दूसरे के साथ घुल मिल के नहीं रहते हैं और अपना बनता नहीं है एक दूसरे के साथ वगैरह ब्रो बहुत ऐसे मत करते हैं लाइक यू नो जल्दी यहाँ पे लोग आते हैं ब्रो दे वर लाइक कि तुम्हें लगता है यार जे वॉकिंग तुम ये अच्छा बेटर है तुम्हारा मैं क्या भाई कि जे वॉकिंग बेटर तुम बताओ मैं क्या दोनों सेम लाइक स्ट्रीटवेयर कल्चर से बिलोंग करते हैं लाइक यू नो सेम कम्युनिटी ऐसे कोई कंपटीशन टाइप नहीं है ब्रो There's definitely a lot of cross shopping. Yeah. People would carry your bags to our store. I'm sure you would have. And we love this. Like you know, हम दोनों वो जे वॉकिंग का बैग लेके आते हैं और हमारा बैग ही वहां जाता है ठीक है अच्छा लगता है लोगों को हम गाइड भी कर देते हैं दे लाइक और वो कहां पे जे वॉकिंग पे यार थोड़ा दूर में है वो चले जाओ एक बार चेक करके आते हैं नाइस नहीं आई मीन आई जस्ट वांट टू टेल पीपल व्हाट
these two guys are like, very honestly. So the first time when I met them at a pop-up. मुझे actually उसके एक दिन पहले पता चला था कि तुम मेरे स्टोर पे आए थे. Yeah. ये मुझे किसी ने बोला था, मेरे कालागोड़ा वाली टीम ने बोला कि आज ब्लू ऑरेंज वाले दोनों स्टोर पे आए थे. तो बोला ओ शिट, लाइक क्या सीन है, उन्होंने मेरे को तो कभी बोला नहीं है कि उनको मिलना है या कुछ है. Yeah. तुम लोग ऐसे सुमड़ी में क्यों आए मेरे स्टोर पे? तो लकीली मैं एक पॉपअप पे था जहाँ पे तुम दोनों भी थे. तो मैं गया, मैंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई जो भी तुम कर रहे हो ब्रो कमाल कर रहे हो, और यू नो वी शुड गो आउट आफ्टर दिस, पैकअप वैकअप करके वी शुड गो आउट फॉर डिनर. जब उस दिन डिनर पे हम लोग बैठे और जैसे तुम लोग ने मेरे साथ बात की ब्रो, मेरे दिमाग में ऐसा था कि ब्रो कुछ लोग है ना, थोड़ा सा भी चल जाता है ना उनको एक अंदर हवा आ जाती है कि आई एम द शिट, बाकी सब माशुदा, यू नो व्हाट आई मीन. तो जब तुम लोग से बात की तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार ये अपना, इट फेल्ट लाइक वी, like I said even before the interview started, I said ki it feels like we are all living the same life. Yeah, you know ki we are all going through the same like struggle. Mm-hmm. The same like the problems in a brand, and because of course we are not those guys who worked in corporate. Yeah, apna background bhi alag hai sabka. Yeah, so I wanted to like ask you when you started this, because so what was your intention? Was it the money? Was it the recognition? Because you have told that you like attention. Yeah. Was it the fact that you had to build a brand? Did you want to see people wear your name on their t-shirts or their things? Mm-hmm. What was your motivation? All of the things that you've mentioned already. Yeah. Of course, it can't be just one thing. Like, you can't just start something to say just make money or just like attention or just... वो तो फिर कैसा है, यू स्टार्ट टेकिंग टू थिंग्स दैट यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड योर प्रोडक्ट इज गुड, देन मनी इज फॉलोइंग. और यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, देन योर क्वालिटी विल इंप्रूव, सो अटेंशन विल आल्सो कम. इट्स लाइक ऑल मिक्स ब्रो, यू कांट फोकस ऑन वन थिंग. लाइक अ लॉट ऑफ पीपल डू समथिंग के आई एम सो पैशनेट अबाउट पॉटरी ब्रो, लाइक यू नो, और फिर वो बस दो तीन मटके बना के छोड़ देते हैं कि इसमें तो कुछ नहीं होने वाला. या सो आई थिंक देयर हैज टू बी some monetary targets and goals where के तुमको चाहिए कि यार your work it has to at least take you places, के तुमको यहाँ जाने मिल रहा है, ऐसे type के लोगों से मिलने मिल रहा है, ऐसे type के events attend करने मिल रहे हैं तुमको काम की वजह से, which money cannot buy. Yeah. But then there are certain things money can buy, like for example a lot of people are interested in having some type of experiences. So yeah, I mean I think हर type का motive था, कोई ना कोई बड़ा छोटा intentions ये थे. Of course, like I have mentioned before, I love attention. I am a whore for attention. अगर मेरे को कोई आके बोलता है कि यार take a picture with you, मेरे को बहुत मतलब अंदर से तो I get a hard on, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है. And I do it to show people that you don't have to know everything. You know, like I might act like sometimes that we know everything and mere ko sab malum hai and mere paas clarity hai, but you don't have to know everything. Like, and that's what I'm trying to pitch with my brand, ke you do it in any way you can, just figure it out, you know. Just figure, you know what I mean? I get it. Yeah, like you also noticed, bro, some things we had no absolutely no idea about how to do. But we ended up doing it anyway. Like once you start na, khud hi apne aap pata chal jata hai. Like, yeah, you know, yeah. But ek vision clear hona chahiye. Like you want to start a brand, you should know ki main kya kya kar sakte hain. Just brainstorm it, then you know start doing it. Main to bolta agar vision bhi clear nahi hai na, andar wo ek keeda ho na, janne ka spark honi chahiye. Ek janne ka keeda ho na ki bhai ye kaise banta hai yaar, ab ye yahan pe cookie padi hai, mereko janna hai yaar ye cookie का वो बॉक्स कहाँ बनाया है, उसने कितने क्वांटिटी में वो बॉक्स बनाए होंगे. जस्ट द कीड़ा ऑफ जस्ट आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो, कॉन्स्टेंटली आस्क क्वेश्चंस. यार ये चश्मे तूने पहने कहाँ बने होंगे, देख ले कहाँ बने होंगे, कौन सी फैक्ट्री में बने होंगे, उसका कॉस्टिंग कितना आया होगा. यू नो इफ यू इवन इफ यू आर व्हाट इज द वर्ड, वो बच्चा कैसे हर चीज में सवाल पूछता है, क्यूरियस. जस्ट स्टे क्यूरियस ऑल द टाइम, जस्ट स्टे क्यूरियस. ये अगर किसी ब्रांड का कोई कैंपेन का वीडियो देख लिया, कितना खर्चा हुआ यार इसमें, you know, ऐसे like once you start questioning अपने आप just question everything, how ये कौन सा प्रिंट है, ये डेनिम कौन सा है, या
and that depends on any industry that you're in. Like any industry, it could be you are interested in fucking the most boring thing, but like, you know, just keep asking questions, or you know anybody from that industry, have conversations, you know. Did you ever feel ki, you know, when, so we started the brand, we had this one thing in mind ki we have to build a brand, we want to see this on people. Yeah. Right? So we always had a very brand first approach. Huh. You know, how with you, because I've also personally followed you since the almost the very beginning. I've seen a very organic growth and a very organic way, like how you communicate also. Instantly you'll not hesitate, you'll just come live, kuch bhi bol ke, kuch bhi karke, you just want to be out there. Yeah. I've seen you become the face of your brand, which is at this point is you sell your face on your t-shirt. Yeah, yeah. Right, but did you ever think that the whole thing people will start to take at, ki bro, this kid came and he started making things in a very unorthodox way. Yeah. But now people really respect you more for your business. Or like drive a certain car, or you have these numbers. You know, there are multiple videos at this point where people are just chasing your numbers. Yeah. To a point where I feel like you have actually, or a lot of people got influenced into making t-shirts because they got to know the markups. They got to know ki achha aise karke aise hum kar lenge, so let's just do the same thing, you know. Yeah. So how do you feel about that? Bro, was that your intention? Because you said you had multiple motivations. Mm-hmm. Bro, you know what? Like I was just thinking about something on these lines, where there is a huge difference in making it big in India and making it big outside India. Like there are so many things that we have to establish in India, jabki basic nudity bhi aajkal apne movies mein abhi tak pahunchi nahi hai. Yeah. Right? So मेरे को जब बहुत लोग बोलते हैं ना कि ब्रो स्केल हो जाएगा ये वहाँ तक पहुँच जाएगा, देन आई वंडर हाउ. लाइक सो फॉर मी राइट नाउ द बिगेस्ट माई बिगेस्ट टारगेट इज दैट आई एम सॉर्ट ऑफ डन विद अ काइंड विद जस्ट वन काइंड ऑफ पीपल नोइंग मी, यू नो आई मीन. लाइक जिसके पास जॉर्डन लेने के पैसे या जिसके पास आईफोन, वो जो एक टिपिकल क्राउड है ना जो क्लब्स जाता है या तुम्हारे यहाँ पे डोना बोका टाइप के लोग, अभी तक ऐसा हो रहा था कि वी हैव टू केटर ओनली टू देम, एंड नाउ आई रियलाइज आई वांट टू केटर टू लाइक द वॉचमैन ओपनिंग द डोर फॉर मी एट डोना बोका फॉर एग्जांपल. हिज किड्स हैज टू नो मी, एवरीबॉडी हैव टू नो मी, एंड हाउ डू आई डू दैट नाउ. सो लाइक टू फर्दर टू दैट कॉन्वर्सेशन, आई फील लाइक ये लोग है ना एक टाइप की भाषा बोलते हैं समझते हैं, एंड आई फील वी शुड एक्सपैंड आवर रेंज टू देम, यू नो. लाइक एंड आई रियलाइज आई मीन अगर मैं बहुत सभ्यता से बात करने लगूँ अपने इंस्टाग्राम पे, जो मैं हूँ ही नहीं, तो यार सामने वाला कनेक्ट किस चीज़ से करेगा, मतलब. और मुझे आता भी नहीं है बोलने अच्छे से. लाइक अगर कभी कभी मेरे मुँह से निकल जाता है और फिर मुझे ऐसा होता है कि भाई क्या बोल दिया, बट इट इज़ मी एंड दिस इज इंस्टाग्राम, एंड आई ऑलवेज एंड आई फील लाइक वेन आई एम श्योर वेन यू लुक एट मी, I want somebody to feel like ke, kya hai is ladke mein? Right? Sometimes you feel like when you look at this one really hot chick with a very average guy, you feel like, oh, kya hai ladke mein? You know? Ye toh main bhi. Good. If you feel like that, no? When you look at me, ke, bhencho, ye toh main bhi kar sakta ho. Toh fir kar. Okay. That's the best. You know, like, then I have tapped the right. If you've ever felt like, why is this guy making it? Like, isme kya hai alag? Good. You know, I want to make you uncomfortable looking at me. I want you to feel ke sala kisi cheez mein acche se dhyan nahi de raha. Photo dhang se nahi le raha. Ye kuch dhang se nahi kar raha. Matlab, you know what I mean? To iska chal kyu raha hai? To tum figure kar lo. So it goes back to the same idea of किसी के मन में यू हैव टू मेक देम क्यूरियस टू यस यू नो यस के टॉकिंग अबाउट एंड आई रियली फील दैट्स एंड मुझे बहुत लोग पूछते हैं डायरेक्टली पूछते हैं हाउ डिड यू बिकम सक्सेसफुल फॉर एग्जांपल, उसका कोई जवाब ही नहीं है. पता नहीं ब्रो कुछ कैसे ब्रो हाउ मच आर यू मेकिंग सो मच मनी टेल मी ना देखो तू बना ही रहा है ठीक है जहां हमने एक ली थी इतने टाइम में वहां तुमने दो दो ले लिए तो फिर देखो ऐसे कैसे लाइक यू जे वॉकिंग लाइक यू आर द फेस ऑफ द ब्रांड
like you do everything, like you know, to be but that too, I've chosen to be the face of the brand because I want to be recognized. I want to look, I want to be that. It's like we've discussed before, like it's a little scary for me ke mera brand sirf mere pe chal raha hai kyunki humne dekha hai agar टीम अनाउंस करती है कि जे आ रहा है इस पॉपअप पे या मैं बोल रहा हूँ मैं खुद आ रहा हूँ इस पॉपअप पे तो वो पॉपअप चलता है और फिर मैं बोलूँ कि मैं नहीं आ रहा हूँ तो वो पॉपअप बिल्कुल नहीं चलता है एंड व्हेन आई से बिल्कुल नहीं चलता है मतलब हमारा बेसिक खर्चा भी नहीं निकलता उस पॉपअप से ऐसा है सो समटाइम्स आई वंडर कि इज इट लाइक मी इज इट द व्हाट इज इट यू नो बट अभी तो फिलहाल वी हैव अ वेरी एक्सट्रीमली लेंथी करियर अहेड ऑफ अस यू नो वी ऑल्सो हैव टू हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल टू to your reach here, I don't know how to explain. Have some kind of an impact. Exactly. You know, अब जैसे कहीं पे भी जाओ महीने में 50 exhibitions होते हैं ये wedding के और इसके उसके बड़े-बड़े platforms अब establish हो गए हैं. I think some of us, if we start to like really talk on the table like friends, no, कि भाई ये है dreams है ये ऐसा type का करना है तो accumulatively we can make it happen. You know, आगे जाके we can create our own IP where भेजो अपना fashion show हो रहा है हम platform दे रहे हैं बाकी लोगों को but ठीक है अब अपने को थोड़ी मेहनत करना बाकी है अपने को थोड़ा सा सीखना बाकी है कि उस scale पे हम कैसे ये सब चीज बना सके because that'll be the next impactful thing that we can do but फिलहाल जैसे हम भी जैसे बात करते हैं लाइक कि हमें फैशन शो करना है ब्रो पहले हमें था कि यू नो लेट्स कनेक्ट विद लाइक अ बिगर फाउंडेशन उससे कनेक्ट करते हैं बट नाउ व्हाट वी वांट लाइक डू आवर ओन पर्सनल फैशन शो जैसे लाइक द वे इंटरनेशनल ब्रांड डू मैं एक साल पहले इन लोगों को मिला था मैंने उनको मुंह पे बोला था तुम लोग फैशन शो नहीं कर सकते हो व्हिच वी विल प्रूव यू रॉन्ग हां वो भाई देखो रॉन्ग प्रूफ कर रहा है ये तभी वो भी मोटिवेशन है अपनी क्योंकि हम आज भी यू नो पहले बात करते कि ब्रो जे ने बोला था कि भाई तुम अभी रुक जाओ तो मैं कह नहीं ठीक भी बोल रहा है वो बट यू नो वी हैव टू प्रूव हिम रॉन्ग लाइक यू नो No, I feel that is the perspective of a lot of people, right? We came out of fashion college. We are taught, if you are a design student, you would understand what I'm trying to say, right? You are taught certain, ye steps tumhe lene hai, ye cheez karne ke liye, right? Like, make a tech bag, choose the Pantone, give it to the master, he'll make it, put it out, do a fashion show. Hamara initial approach is that only we see it did not work. And we completely took a U-turn. Let's start making t-shirts. You know, let's just establish a brand name first. But now we are in this very critical point where we have to evolve. Otherwise, it would just be like a t-shirt brand. So, that is that one thing which... Bro, we graduated in 2020 when we graduated from Corona. And then our fashion show didn't happen. Like for a fashion student, like mere liye wo big deal tha ki hamara na graduate ना नहीं हुआ ब्रो कोविड पे सब वो एकदम वो हो गया कि और हमारे गारमेंट्स जो बनाए थे सब एकदम फोटो खींच के दैट्स इट लाइक जो एक्सपीरियंस हम चाहते थे जूरी ढंग से कुछ नहीं हुआ एंड ब्रो तब भी लाइक यू नो तो ऐसा था कि ब्रो हम जब ब्रांड खोलेंगे ना अपना लाइक हमारा ब्रांड शुड बी लाइक अ लाइफस्टाइल बिग ब्रांड लाइक यू नो हम ऐसे सीजनल फैशन शो करेंगे टीम काम करेगी प्रॉपर लाइक यू नो एक साल में लाइक विल डू 4-5 फैशन शोज एंड यू नो विल शो लाइक How हमारी creativity show करेंगे the whole experience we want to show and वो तो हम करके रहेंगे अभी we are selling t-shirts we are selling pants and all we have it inside us yeah but no all I bro I thoroughly believe in this like तुम मेरे को एक दो बारी पूछ चुके हो कि तुमको क्या लगता है blue orange के बारे में what do you think of blue orange and I've always told you very openly that I heavily respect the business that you build around it because That is, and to have eyeballs on you, whatever the product is, bro, it doesn't matter because anyways, everything is so subjective. My opinion should not matter in that scene anyway. Definitely. But the business that you build around it is inspirational to so many kids out there because main Instagram kholta hu, bro, mere ko aisa dikhta hai ki 50 brands mere Instagram pe aate hai jo aisa lag raha hai ki ye exactly blue orange se inspired hai. Yeah. Font wise, तुम्हारे तुम जिस तरीके से पिक्चर्स लेते हो प्रेजेंटेशन वाइज हर हिसाब से सो आई फील नो सो आई फील दैट द यू ऑल हैव ऑलरेडी टैप्ड अ सर्टेन लेवल ऑफ बट राइट नाउ दिस इज द बिगेस्ट चैलेंज नाउ लाइक यू नो टू डू समथिंग डिफरेंट नाउ या फोटो सेम वो कॉपी कर रहे हैं बट हमें भी यू नो वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट सो दैट या इट टुक देम अ गुड ईयर टू
copied because it visual identity was extremely important for us since the beginning of the brand, since the inception. So I think it makes us really proud to, you know, see that people are just making clothing t-shirts same place. Proud, and sometimes it feels scared also because they actually running the ads, like, you know, people really get confused. Bro, I thought it's blue orange. You know, no, I've gotten confused many times, let me tell you. People are getting really good at it. People are getting seriously good at it. It has to scare you. That's when I feel like when you do something, when your presentation is just ass, like how my presentation is, nobody wants to do it like the way I do it. You know what I mean? But to be honest, bro, jab hum bhi start kar rahe the na, and jaise tu shoot karta hai, वैसे लोग करते थे पहले, like, you know, very organic, like वैसे मतलब effortless. ऐसे पहले शूट करते थे, बट यू नो योर स्टाइल इज समथिंग डिफरेंट, कि वो लोग पता चलता था कि भाई ये जे जैसे कर रहा है. ब्रो, बट यू आल्सो हैव दैट थिंग अंडर यू ना, लाइक दैट काइंड ऑफ अ शूट और दैट काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन, दैट काइंड द वे यू कम आउट एंड स्पीक इज वेरी यू ना. दैट पीपल, कोई और ऐसे करेगा, गलती से हम एक बार ब्लो ऑन से लाइव चले गए भाई. ओह माय गॉड, पीपल आर जस्ट क्विट. ओहो, जे वॉकिंग, जे 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 वॉकिंग, और हम भी नहीं थे, जस्ट सैंपल दिखा रहे थे. Bro, starting में बहुत ऐसे comment, like, you know, ये तुम jay walking बनने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा ऐसा, because I feel you. Bro, पता है क्या तुमको, जैसे मुझे भी messages आते हैं यार. आजकल कैसा है पता है, लोगों को थोड़ा सा क्या चीजें समझ में आने लगी है ना, तो वो कुछ किसी भी चीज को कहीं पे भी looks like comment, you know, it looks like anything comment. उनको क्या 2 minute लगेगा भाई. हाँ bro, मतलब फिलहाल अपना इंडिया है ना, पूरे वर्ल्ड से ज़्यादा वो क्या है, उनको सब कुछ पता है, उनको हर ब्रांड पता है, उनको हर, यू नो व्हाट आई मीन. तो या एंड ब्रो, एनीवे, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी वांट टॉक अबाउट, दैट्स लाइक, आई आल्सो लव कि यू नो नाउ लाइक सो मेनी ब्रांड्स आर ओपनिंग, मतलब यू लव दैट. आई लव दैट बिकॉज़ पीपल आर रेडी टू, लाइक, यू नो आई लव हेट दैट. I genuinely have a problem with it because I am not able to differentiate. There are barely 4 brands that are looking, that have their own aesthetic. Yeah. There are barely 4 or 5 brands that have their own DNA. Mm-hmm. Okay. Rest of the brands mein sab mein dikh raha hai ki ye to apne bachche hai. The thing is ki you are genuinely there. You, bro, see, when you said ki when you started a business, you had, tabhi like I asked you that what was your goal, because मेकिंग मनी तो ब्रो हमारी कॉपी बिक रही है, जेन्युइन कॉपी ब्रो, लाइक फॉर 699 यू कैन गो टू दिस मार्केट, पिक उस कलर, उस टी-शर्ट का कलर वे, मतलब इट हैज बिकम टू अ पॉइंट वेयर वी सी कंसीडरेशन. वाओ ब्रो, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है. नहीं ब्रो, मेरा व्हेन आई स्टार्टेड, सही में बोलूं तो तुमको ऐसा लगता है ना कि तुम कोई भी चीज स्टार्ट करने के पहले तुमको पता होता है कि तुमको करना क्या है. Not possible. No. सही में बताऊं, मैं जब जेवॉकिंग मैं शुरू कर रहा था, मेरे को कैसा वाइब चाहिए था, आई वॉन्टेड अ फुल गॉथिक डार्क वाइब, आई वॉन्टेड टू मेक प्लस साइज पीपल इन टू लाइक सेक्स लॉर्ड्स एंड स्टफ लाइक दैट. आई वॉन्टेड टू डू शूट्स वेयर देर इज सो मच ऑफ न्यूडिटी इन मी, लाइक मी विथ लाइक अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड लाइक ऑन अ बेड. देन वेन द ब्रांड स्टार्टेड ब्रो, इट वॉज ऑल लाइक मेरी एंड लाइक कलरफुल एंड Bro, you see, cannot wo decide. Process hai na, like nahin, just start kiye rahega. वही बोल रहा हूँ. To your question के भाई तूने क्या सोचा था, वो वैसा नहीं होता कभी भी. Okay. It depends on so many things and depends on how people are accepting, what part of it they are accepting. Then you try to do that more, then it just changes. Like बहुत लोग बोलते हैं ना कि before starting the brand, like I'm trying to start a brand in the range of 6,000 to 12,000. तुझे पता भी है तेरा फैब्रिक क्या है, तुझे कुछ नहीं पता भाई. हम बताते हैं ना, जब हमने जब स्टार्ट किया था ना, तो हम ऐसे चले गए पूरा कलेक्शन बना के कि ब्रो ये 3-4 जैकेट्स होंगी, पैंट्स होंगी. और जब हम बनाने की हमने बनाना स्टार्ट किया ना भाई, पता चला कि ब्रो अभी तेरे बस की बात नहीं है इतना ये सब बनाना. अभी तो वी जस्ट मेड अ टी शर्ट ओनली, तो वी स्टार्टेड विद अ 4 टी शर्ट ओनली. तो उससे हमें पता चला कि ब्रो स्लोली स्लोली यू गेट टू नो कि एक्चुअली यू नो स्टार्ट डूइंग इट, कि कितना टाइम लगता है. बहुत और तभी बुरा भी लगता है. हाँ. जब कोई कॉपी कर रहा है ना, तो तुम्हें बुरा लगता है कि साले अगर तूने प्रोडक्ट बना ही लिया है, इतनी मेहनत करी ली है, तो थोड़ा सा अपना ओरिजिनल कर लेता. Exactly. You know, मुझे पहले गुस्सा आता था
ओ फक मेरा डिजाइन कॉपी वो ये वो वो. अब ऐसा लगता है कि क्या यार इतना पोटेंशियल था तूने इतना क्रैक कर ही लिया था खुद का ही कुछ कर लेता. यू नो आई मीन. सो एक कुछ बेसिक से बेसिक सी चीजें हैं जैसे ना आजकल अगर तुम किसी अंकल आंटी को मिलो बोलते हो अरे मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ रहा हूँ. अच्छा मनीष मल्होत्रा बनेगा. हाँ. पहले तो वो नाम चेंज करना है पहले जेब. वो एक बेसिक सी चीज है. यू नो आई वांट दैट टू बी एस्टैब्लिश्ड कि अच्छा बेटा जेवा किंग बनेगा. ठीक है. देन आई वांट सी टू टैप द मास. मैं अभी ऐसे सोच रहा था कि ब्रो तेरे मेरे जैसे कितने लोग होंगे अपने देश में. कितने ही होंगे. व्हेन यू कीप लाइक टैपिंग टू पीपल लाइक अस ओनली कितने होंगे. 1 लाख. 1 लाख लोग होंगे अपने जैसे. बट नंबर ले ले. व्हेन आई नहीं ऑन द वे आई वे वी थिंक एंड लाइक ऑल ऑफ दैट देन यू गो टू लाइक अनदर टियर एंड देन यू मे बी हैव लाइक 20 मोर लाख पीपल. ब्रो हाउ डू यू एंड अप मेकिंग एन इंपैक्ट. अभी बीच में मैं खुद आई वाज थिंकिंग अबाउट माय सेल्फ यू नो ओ जेने इंपैक्ट किया जब एंड देन आई एम लाइक क्या इंपैक्ट किया है. मतलब अभी भी सो एवरी टाइम आई गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई सी से लाइक वन जे वॉकिंग देन आई एम लाइक द 99.99% ऑफ द रेस्टोरेंट इज नॉट वेयरिंग जे वॉकिंग और फक दैट दे डोंट नो हु आई एम. सो देयर इज अ ह्यूज देयर इज लाइक स्टिल अ लॉट टू डू एंड बिकॉज वी आर इन अ कंट्री लाइक दिस आई थिंक वी विल हैव टू हमको ना सब कुछ स्टार्ट से सिखाना पड़ेगा यार लोगों को. अब तू मेरे को बता ये एक लूज टी शर्ट बना के हमको ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ किया है. अब तो फिर अपने को कितना कुछ सिखाना बाकी है. कितना कुछ करना बाकी है यार. वो मेरी मेरी मेरे को तो गुस्सा ये आता है कि मेन तो एक तो बहुत स्किल डेवलप करना बाकी है और दूसरा पता है ब्रो वेन एवर वी थिंक ऑफ एनी थिंग दैट इज मेड इन इंडिया नो ऐसे सोच हम किसी का भी पेज देखते हैं ना पहले तो अपना हम अपना स्टैंडर्ड इतना लो कर देते हैं ना. अच्छा अरे ब्रो ये इंडियन ब्रांड है. अच्छा इंडियन ब्रांड है फिर अच्छा है. क्यों भाई इतना स्टैंडर्ड क्यों लो है अपना. अच्छा ये लड़की इंडिया ओ फिर तो अच्छा है. अरे विच मीन्स यू नो वी हम अपना व्हेन वी जज अ ब्रांड आल्सो आवर स्टैंडर्ड इज टू लो. ब्रो ये जब डिस्कस कर चुके ना लास्ट टाइम जैसे हमने जब स्टार्ट किया था ब्रांड लाइक यू नो वी वांटेड इट टू लुक इंटरनेशनल क्योंकि इंडिया में इंडिया का माइंडसेट ये है कि अच्छा भाई इंडियन ब्रांड है और ये इंस्टाग्राम ब्रांड है. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम बट ऐसे लोग सोचते कि अच्छा छोटा ब्रांड है. लाइक हमें करना था कि एग्जैक्टली एवरीथिंग शुड बी प्रॉपर लाइक शिप लाइक पैकेजिंग एवरीथिंग वो एकदम प्रॉपर हो सर लोगों को लगा इट लुक लाइक टू पीपल आर या लाइक दैट वाज द आईडिया ऑफ नॉट मेकिंग इट लुक वेरी इफ यू वुड होम ग्रोन. Right, like I don't want that tag right now. Once I'm big enough, people can know. But right now, it's a brand. It's not right. Like humne it's out of Delhi. It has started yahan se whatever. So that was the idea initially with us. You choose a business or brand. There is two different things. Business or brand. Yeah. You have the option of making way. More name I'll tell you I think this should be a very self-explanatory thing. If you follow jaywalking you have to understand if I'm making my Instagram account private for example what am I trying to build a brand. Right. Yeah right so what am I trying to do like say all these activations that we do all this wo jo tum log ko bakchodi lagta hai for me is really trying to build a brand you know I'm really like trying to my god bichare tumhare walk-ins there's a lot of we are doing this in between our regular day and we have locked the store is locked really sorry but, so no I'm clearly trying to build a brand which is going to lead back how going private like I didn't really but did you see my story when I had uploaded yes, I'll tell you okay this might be a long shot this might be a very 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 long shot ke my idea is to prove it to people whoever is trying to figure out how is jaywalking building his brand and how is he doing things oh jay instagram pe bana tha aur jay is pe bana tha us pe bana tha I want people to feel like no brand should ever be dependent on anything okay like and secondly right now of course I've shared it very openly that I myself am not in like
the most comfortable spot. Comfortable is not the right word. I'm extremely settled and comfortable right now. You know, and when settled. Yeah. Like I feel like how much more can I eat? Or what is like more? How much more can I consume? I don't know how to explain this. Like, you know, there are some places where I always see there are celebrities sitting there. And then I think to myself, Sala Ranveer Singh yahan pe khana kha raha hai. Isse mehengi jagah pe to tum kya hi kha sakte ho? इससे वो अगर हम मैं दो नान खा रहा हूँ वो एक खा रहा है यू नो आई फील लाइक शायद चल उसकी गाड़ी मेबैक है पर अपनी एस क्लास तक तो आई गई है देन आई एम लाइक यार क्या इससे ज्यादा यू नो व्हाट आई मीन लाइक आई वांट टू फाइंड अ डीपर फकिंग मीनिंग टू व्हाई एम आई चेजिंग दिस यू नो लाइक समटाइम्स आई फील लाइक आई माइट जस्ट गो अहेड एंड एंड अप इनटू लिविंग अ स्लो लिविंग लाइफ यू नो वेयर यू जस्ट लाइक वेक अप पेंट and then you just go back to like talking to your audience. One thing that I'm always and forever going to do is communicate with my audience, you know. That is one thing that I've realized I am extremely passionate about, which is why I still do my pop-ups on my own. Of course, I've not attended all of them, but the ones that I have attended, I'm sure you also don't forget, like you met me, you know. Yeah. And when you meet me, you know that I meet you with like my full heart. So that's one thing that I'm trying to build. Now, अब वो घाई नहीं है पैसे बनाने की घाई नहीं है बिकॉज आई नो एट द मोमेंट आई एम नॉट एट द मोमेंट फॉर श्योर क्यों भैंसो लोग हल्के में ले रहे थे मेरे को ब्रो मतलब नहीं क्या है जे मतलब तुम मेरे को क्योंकि जब तक लोगों को दिख नहीं रहा था ना कौन से गाड़ी में आया है यू नो कैसा आया है और ठीक है दिखाओ You know, is it that are you materialistic or not? I am. नहीं still I want ऐसा नहीं है bro देख जैसे materialistic क्या होगा पता है जो बार बार दिखाए और बार बार materialistic का ये है कि उसके पास point of तेरे को impress करने की चीज बस यही है I get it, but let's just give and it a broader meaning because we are extremely materialistic. But uska matlab ye nahi I'm trying to show things. No, it's not a bad thing at all. Tum apni lifestyle ko upgrade. Agar main apni mummy ko business class ki ticket mein Europe bhejna chahta hoon. ठीक है उसमें कुछ भी बुरा नहीं है Definitely. मैंने उनको एक experience कराया जो वो अपने आप से नहीं कर सक नहीं कर कर ही नहीं उनका जी ही नहीं चलता yeah. भाई 3 lakh rupees की टिकट नहीं You know what I mean? तो हम कराएंगे you know? तो उसमें materialistic कुछ भी नहीं है You are upgrading your lifestyle. से अगर समझ कि आज मेरा मेरी मेरी इच्छा है कि कल कल जाके मैं एक ऐसी ऐसा या कोई हायर करूँ जो मैं उठूँ तब से मैं क्या खाऊंगा और मैं कहाँ जाऊँगा और मैं किससे मिलूंगा और मेरे को सब अरेंज करके रखे It's not me acting or being all show-offy or yeah. whatever. I want to invest in myself. I want somebody to like plan things for me or Jay eat this or do this or you know what I mean? Yeah. So like that is also the kind of materialistic things that I want. But that's to upgrade my lifestyle. But I think it helps you also. You fix like these small goals for yourself. Okay, like I want to get that bag. Bro, people should. That is very important. मैं तो सही में बोलूँ. Imagine you are doing a, तुम 20,000 वाली भी नौकरी भी कर रहे हो, ठीक है? And say you eventually want to buy a Activa, for example. I don't know. It's superb. Savings में काम आएगा. तुम maths करना शुरू करोगे. तुमको पता चलेगा कि loan, down payment, क्या होता है? You know, अगर लोन लिया और 20,000 रुपए डाले और बाकी का 80,000 का लोन लिया कितना मेरे को देना पड़ेगा मजा आता है ब्रो ये सब बहुत जरूरी भी है like, बहुत you know? जरूरी है ब्रो थोड़ा सा एक ओवरहेड होना चाहिए थोड़े थोड़ा एम्बिशन होना चाहिए लाइक like, हम ऐसे छोटे छोटे गोल रखते हैं ब्रो ये उसको लेने के लिए क्या करें भाई इसको इनके गोल तो अभी पोर्श वॉर्श तक पहुंच गए हैं इनके घोड़े बढ़ रहे हैं गाड़ी के Okay, one more thing which I wanted to discuss is the power of networking. Which I haven't
seen still, but like a lot of people, because we are very antisocial. We don't go out. That's a good thing. Yeah, but. और हम खुश हैं ऐसे, like ऐसा नहीं है कि हम ऐसे शिकायत है हमें कोई ऐसी. I'll tell you because anybody who puts this forward, I'll say कि okay like you had a brand before us, right? Like you were building this for a while. जब हम कॉलेज में थे, we saw this. Okay, we were like okay, like we also want to meet this guy, talk to him, what's happening? Imagine me coming to you, which a lot of people must come to you. But how many of them would you remember, like who are just coming and meeting you, right? Yeah. Then the other thing is, okay, now that I have built something on my own, now we are sitting like this. Yeah. I have met you in a very different environment. Yeah. Where, so ye ho gayi na fir networking. I do not see the point of like, you know, going out, meeting people. Thoda samajh bhi aata hai, but I feel you have done it way more than us. So have you seen any difference, do you think, networking? Yeah. Socializing, anything, did it work in your favor? What are your thoughts on that? Bro, I feel like networking, tumko hamesha pata hona chahiye ki networking kabhi bhi karo na, to kisi intention se mat karo ki ye bande se mere ko ye lena hai. Jaise bahut time nahi, bahut time pehle aur mujhe na samajh mein aa jata hai ki kaun mere sath kyun baat kar raha hai. अच्छा ठीक है, मुझे समझता है कि यार ये बंदा मेरे से बस या तो इसको क्या मतलब क्या चाहिए, वो समझ आ जाता है. आई एम श्योर यार तेरे को भी समझ में आता होगा आज के टाइम में कि कोई कौन क्यों तुम्हारे साथ बात कर रहा है. जैसे बहुत टाइम पहले करण जौहर हमारे दिल्ली स्टोर पे आया था, राइट? तो बाद में मैंने पापा को फोन किया, बोला पापा करण जौहर आया था स्टोर पे, ये वो. तो पापा बोलते नंबर लिया कि नहीं. ब्रो तू मुझे बता मेरे को ऐसा कौन सा काम आ पड़ेगा कि मैं करण जौहर, हेलो करण, या क्या क्या काम आएगा मेरे को ब्रो करण जौहर का नंबर. बस वो मुझे जानता है और मुझे क्राउड में एक्नॉलेज करता है, इतना मेरे लिए काफी है. यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर तुम उतना काम कर लो कि कोई तुम्हें बस एक्नॉलेज कर ले एक क्राउड में कि यू नो हाय हाउ आर यू व्हाटएवर. मैं ऑनेस्टली क्या करता था, जब मेरा ब्रांड था भी नहीं ना, तो मैं छोटे छोटे इवेंट्स पे पहुंच जाता था अकेला, और ऐसे मिलता था कि ओ मेरा तो ब्रांड है नहीं, मेरा तो ब्रांड है, और यू नो इट्स गोना बी द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया, एंड ब्रो देयर आर सो मेनी पीपल विल एक्चुअली स्टैंड एंड से कि ये इसने बोला था हमको. एंड लाइक चैतन्य को मैं वैसे मिला जब मेरा ब्रांड था ही नहीं, चैतन्य दीक्षित. फिर सुपर किक्स के कोई भी छोटे मोटे इवेंट्स होते थे, मैं पहुंच जाता था. तो वैसे मैंने थोड़ा बहुत नेटवर्किंग किया है कि मेरा फेस थोड़ा फैमिलियर बन जाए, यू नो, कि मैं कुछ कुछ जगह पे दिखने लगूं उस सेटिंग में, कि अगर वेज नॉन वेज का कुछ हो रहा है तो मैं वहाँ हूँ, अगर इसका कुछ हो रहा है. और आज मुझे विश्वास नहीं होता कि हम उसी लेवल पे पहुँच गए हैं, यू नो व्हाट आई मीन, कि जहाँ सो अगर और एंड यू नो वन मोर थिंग, लाइक इफ यू आर स्टार्टिंग एनीथिंग, हू हैव वॉट एवर यू आर डूइंग, इन फैक्ट डोंट बी स्केयर्ड टू जस्ट go and have a conversation. It could be any kind. It could be the stupidest question. You won't believe how much it would help people around you just by asking the most stupidest question, you know. So ask stupid questions, because that's where it begins. That, and we still ask stupid questions, right? I think you have to become a child, like, you know, when you want to explore. Yeah. That is very important. Being curious all the time. Yeah. And agar tu mere kisi bhi dost ko milega na, bhakchod number one tumhe tha hi, but तब खाली फर्क इतना था, तब पैसे नहीं थे, अब पैसे हैं. भक्चोदी उतनी ही है, तू समझ रहा है? नहीं, बट क्या है कि द सोल रीजन व्हाई यू शुड मेक मनी आल्सो एंड यू शुड फोकस ऑन मेकिंग मनी इज बिकॉज़ पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली. एवरी एज ग्रुप, यू नो, भक्चोदी करके तुम 18 साल के बच्चों को इम्प्रेस कर सकते हो फॉर श्योर, बट किसी 45-50 ईयर के अंकल को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो कि मैं हम क्या है और हमारी भी बात सुन लो. You know, so of course you are seeing the change in like how factories are treating you now. Like पहले तुमको भाव नहीं दे रहे होंगे या realtors. Bro, तो major change है हमारे. हाँ, realtors या ये broker भी ऐसे है कि भाई बच्चे हैं जाने दो. ठीक है, anyways, और बता भाई. Give me top 5 homegrown brands. Cheese. Let's go. पर जेन्युइनली कोई ऐसा रेडार्ड में तेरे से ब्रांड है नाम? नहीं, कोई जेन्युइन नहीं. देख, अभी इसने पूछा है तो मैं बता ही दूंगा. टॉप 5 आई जेन्यू नो टॉप 5 नहीं, बट आई जेन्युइनली आई एम वेरी प्राउड ऑफ व्हाट हीरो इज डूइंग.
यस ओके ये फैमिली नहीं ये तुमको मुझे पता है लगेगा बट नहीं बट शी इज जनरली डूइंग रियली गुड वर्क बस और किसी का नाम नहीं लेना चलो तुमको तुमको लेना है किसी का नाम आई डोंट थिंक वी शुड नेम ड्रॉप एनीबॉडी बिकॉज़ इट्स नॉट नेम ड्रॉपिंग इट्स लाइक डू यू अच्छा नेम मत बोल डू यू जेन्युइनली डू थिंक लाइक नो आई एम नॉट ऑनेस्टली स्टिल नॉट एक्साइटेड अबाउट एनीबॉडी नॉट एनीबॉडी दैट्स गुड या दैट्स गुड नो आई मीन अदरवाइज अदर देन द ब्रांड टॉक अबाउट योर पर्सनल थिंग ब्रो ब्रांड ब्रांड का बहुत है तेरा अभी खाना कैसा था अभी हम खाना खा के आए सी लाइफ लाइफ हैज बीन हेक्टिक फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमने ऑब्वियसली सब ने बहुत मेहनत कर ली सब कुछ कर लिया सब कुछ इस्टेब्लिश कर लिया अब आई ऑफकोर्स आई एम सीइंग दैट दिस होल सीन हैज़ कम ऑन अ क्रॉस रोड ऑफ कन्फ्यूजन के अब इसको कहाँ ले जाना है ऑनेस्टली ऑनेस्टली कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब इसको कौन सा डायरेक्शन देना है क्या हमको इसको फैला देना है बस स्टोर खोल दो ना ये कर दो वो कर दो क्या वही है नेक्स्ट क्या स्केल किस में दिखेगा मतलब मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि जे अगर अब इंटरनेशनल जाएगा तो स्केल दिखेगा मुझे उसमें भी स्केल नहीं दिख रहा है मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बस तो एक स्टोर खोलना मैं अभी रिसेंटली गया था लंदन और वहाँ स्टोर खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बट वहाँ पर सारे ही ब्रांड स्ट्रगल कर रहे हैं तो मुझे तो उस मैं क्यों सामने से उसमें यू नो घुसूँ inactive at the moment of course not inactive ki everything is like shut but I am personally extremely inactive because I want to hit hard but in the right direction okay okay to jis din pata chalega ki nahi ye side pe is direction mein thoda leke jana hai is when I will start hitting hard because I don't want to when I've reached here I don't want to take any wrong calls and I don't mind taking those wrong calls but like those wrong calls I also have to like mere ko na wo अट्रैक्ट नहीं कर रहा कुछ भी कि ये कर लो या वो कर लो सो पर्सनली आई एम इन दैट जोन वेयर आई जस्ट वांट टू लाइक रीकनेक्ट विद माय आर्टिस्टिक साइड आई वांट पीपल टू नाउ लाइक अगेन थिंक ऑफ जे एज एन आर्टिस्ट यू नो अ लॉट ऑफ पीपल हैव फॉरगॉटन दैट पीपल थिंक दैट जे इज ओनली डूइंग दिस फॉर द मनी एंड जे इज ओनली डूइंग दिस फॉर द व्हाटएवर व्हाटएवर सो आई वांट टू फाइंड लाइक आई एम डेफिनेटली आई एक्सेप्ट दैट वी आर फाइनेंशियली फ्री एज अ पर्सन एट दिस एज आई एम फीलिंग लाइक आई एम एब्सोल्युटली free of all the baggage that anybody else would have because the brand did so well and you all accepted it so well that we are there but now what right like bahut log bolte hain j start furniture j start this j start that furniture but that's you started kuch bhi bolte hain bro like get into accessories it's baby j walking was like you know yeah baby yeah. walking is baby walking is something that I want to get into but again how do I personally tap onto my that so yeah that's where I am a little in that hazy spot okay but abhi when you mentioned that like you know a lot of people have forgotten that you're an artist yeah you're obsessed with tattoos and like I am oh abhi je ne hame bhi ek tattoo thoda sa tattoo hai abhi hua tha but so how did that happen how did that came to be so you know in my head bro I was always fancy I was always fancying like how much tattoos like these rappers had aur mujhe aisa hota tha ki you know apne dimag mein and because my Kalawada store is so nice and big it has that upar ka floor where I can do anything I want to and I was like chal na I will get a tattoo maybe but then I thought why not make it into an event where somebody will collaborate actually फिर से बोलना ये पूरा स्टोरी ये पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं यार नहीं बट ठीक है ओके ब्रो नहीं तो बोल इस वीडियो में नहीं बात किए ब्रो जो हमारा जो फिलहाल टैटू का जो इवेंट हुआ इस द ओवरऑल मतलब ये इतना ऐसे स्केल पे हो जाएगा वेयर एवरी सिटी इज आस्किंग मी टू कम टू देयर सिटी एंड टैटू पीपल मुझे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मतलब बॉम्बे में भी हमने हम इतने लोग आ जाएंगे ब्रो लाइक थिंक अबाउट इट ना इट्स अ परमानेंट थिंग ऑन योर बॉडी फॉर एवर एंड दिल्ली में तो देयर वर 40% ऑफ द पीपल वर गेटिंग देयर फर्स्ट टैटू बाय अस दैट्स क्रेजी एंड द लेवल ऑफ कमिटमेंट दैट पीपल हैव ब्रो ये सब चीजें ना कभी कभी मैं खुद को एनर्जी देने के लिए कर लेता हूँ
यू नो हमने उस दिन उस दो दिन बिल्कुल सेल नहीं किया, हमने जान पूछ के रैक्स खाली कर दिए थे कि किसी को ऐसा ना लग जाए कि जय सब कुछ मार्केटिंग के लिए करता है। मेरे को सिर्फ गुस्सा उस टाइम पे आता है जब मुझे लोग बोलते हैं कि तूने ये गिमिक के लिए किया है या तू भाई लाइक इवन इफ आई पुट अ सिंपल स्टोरी नो पीपल लाइक मार्केटिंग तो जैसे सीखो मतलब मेरे को नहीं पसंद यार, इसीलिए मैंने प्रोफाइल भी प्राइवेट कर दिया है। ब्रो अगर मेरे में दम होगा तो ये 120 लोग मुझे 5 लाख लोग तक पहुंचा देंगे इंटरनली यू नो, और अपने को पता भी नहीं होता ब्रो कितने लोग अपनी बात करते हैं यू नो, सो विच इज़ आई मेड इट प्राइवेट। आई मेड इट प्राइवेट ऑल्सो बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक दिस लो टाइम एंड आई हैव अनाउंस्ड इट। ऐसा नहीं है कि यू नो आई एम लाइक स्लैकिंग एंड मैंने किसी को बोला नहीं, आई एम स्लैकिंग एंड आई हैव ओपनली अनाउंस्ड इट दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फॉर अ व्हाइल। एंड इन इवन इन दिस वीडियो इफ लाइक वी आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स इफ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट लाइक ट्रूली नो दैट आई डोंट लाइक इट ऑल्सो। I know what is good and bad myself. You know, when I look at something, I know what is good art, what is bad art. Of course, subjective, but I know what I'm doing right now. Yeah. I know that I'm not the happiest by only selling Friends of Mr. Walking t-shirts and like basics and, you know. So we want to level up. We want to level up in a way that you, that, bro, pehle time tha jab hum kuch nahi the, toh Hi Snobiety humara post pe post dale jata tha. आज क्यों नहीं डालता, बिकॉज आई नो इट्स नॉट बिकॉज वी बिकम बिग, इट्स बिकॉज वी बिकम वेरी कमर्शियल एंड जे वॉकिंग हैज लॉस्ट दिस चार्म इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी आर लॉन्चिंग राइट। सी ऑफ कोर्स तुम लोग बोलोगे नहीं, हां हां ही बोलोगे शायद, यू आर अनअवेयर। ओह एक्चुअली आई एम सेल्फ अवेयर ब्रो, यू विल नेवर फाइंड एनीबॉडी हू इज दिस सेल्फ अवेयर। बट यू ऑलवेज वांटेड टू मेक जे वॉकिंग कमर्शियल लाइक यू नो वो तो हां, तो ब्रो क्योंकि ना लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक स्केल करना तुम्हारी चॉइस है यू नो, ओ जे वॉकिंग अब कमर्शियल बन गया है, या अगर मैं होता उसकी जगह पे तो मैं सिर्फ हाइप ब्रांड बनता, मैं कमर्शियल ब्रांड नहीं बनता। ब्रो ये कोई तेरा ऑप्शन नहीं है, यू कैन डिसाइड इफ यू विल बिकम अ हाइप ब्रांड और नो, पब्लिक डिसाइड्स, पब्लिक डिसाइड्स यू नो एग्जैक्टली। वो श्री श्री एमीवे बंटाई ने बोला है कि मैंने जनता कमाया छोटे समझ में आया तो मैंने वो कमाया ब्रो लाइक, और वो लोगों को मालूम है तो मेरे को उससे, एंड मैं खुद को याद कराते रहता हूँ ये टैटू इवेंट या सेमिनार या ये जो हम लोग ओपन वो करते हैं उससे मैं खुद को याद कराते रहता हूँ कि नहीं यार है, दिस इज आल्सो सॉर्ट ऑफ मार्केटिंग इन द सेंस यू नो फॉर द ब्रांड अवेयरनेस। या एक्चुअली यू नो व्हाट, वी इफ वी कैन कंसीडर एवरीथिंग एज एज मार्केटिंग, इफ आई सेटल डाउन एंड बी लाइक चल मैंने जो भी किया मार्केटिंग के लिए किया तो भी That's okay. कुछ बुरा नहीं है मेरे When you say that you have made the profile private and like you know you want to sort still people are talking about it like you know, but this means that whatever people are saying has started to affect you. Yeah, maybe because bro we are humans man. मतलब क्या तू मेरे को बोलेगा कि तू मेरे को मेरे सामने आके मेरे मुंह पे गाली दे देगा ठीक है, और मेरे को फर्क नहीं पड़ता है? Of course सबको फर्क पड़ता है, फर्क क्यों नहीं पड़ता है bro, फर्क तो सबको पड़ता है। अगर अगर मैं लाइव, पहले मैं बहुत लाइव जाता था, पहले मैं स्टोरीज डालता था, पहले मैं फालतू के क्यू एन एस करता था, और बट नाउ वी डोंट डू इट सो मच बिकॉज आई एम लाइक या दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आई थिंक पीपल नीड टू नो एंड ऑफ द डे एनी ब्रांड इज स्टिल रन बाय पीपल एंड पीपल या वी फॉरगेट एंड दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू डू व्हेन दे आर रनिंग देयर इंस्टाग्राम, दे मेक इट सो serious, their Instagram is so serious, only products, only this, only that, and like we can't use foul language or we can't show whatever. अब जैसे मैंने एक टी शर्ट लॉन्च किया था वो सॉरी डैडी राइट, उसमें पीछे आई स्पेंड टू मच एट जे वॉकिंग लिखा था और फ्रंट में भाई हमारे बहुत लोगों को पसंद है वो हाँ, बट उसपे अगर तूने कॉमेंट्स पढ़े होते ना, पढ़े हैं सारे भाई मुझे पता है कि क्या सो फिलहाल आई एम या देर आई एम लाइक व्हेन आई बाउंस बैक नाउ आई एम गोना बाउंस बैक इन अ वे दैट यू आर गोना बी प्राउड यू नो, एंड माई थरो डीप wish is to just make everybody proud, make everybody feel that
ये अपना बंदा है यू नो लाइक इफ यू सी मी इन पब्लिक आई वांट यू टू जस्ट लाइक कमेंट यू नो लाइक भाई यू नो मजा आ रहा है यार ये वो लाइक वी आर सो प्राउड एंड लाइक दैट्स इट फॉर नाउ आई थिंक दैट्स लाइक अ वेरी That is where you are. That's where I am. I also want to know about like, you know, पहले मैं बात कर चुके this influencer like marketing like is what do you think about that? Like people wearing things are gonna. Bro, I think के जैसे तू और मैं fashion पढ़े हुए हैं, तू और मैं वो vision रखते हैं. जैसे तुम लोग बोल रहे थे कि कोई एक बंदा है जो साला engineer है, पैसे थे, brand शुरू कर दी. You know, और एड्स रन करके पैसे बना रहे हैं उसके लिए इन्फ्लुएंसर लोग ठीक है मेरे हिसाब से यू नो तो तुम आइडेंटिफाई कर लो तुम्हारे में वो टैलेंट है नहीं है तुम्हारे पास वो विजन है नहीं है अब कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे तुमको उनकी जरूरत पड़ती है अपने को नहीं पड़ती है ये उसमें फर्क है मतलब वी कांट हेट आई कांट हेट इंटायरली ऑन इन्फ्लुएंसर्स ऐसे बहुत रेस्टोरेंट्स हैं गांव में या छोटे शहरों में जो ये इन्फ्लुएंसर स्टोरी डाल के उनको पॉप कर रहे हैं नो डाउट अबाउट दैट बट शायद हमारे जो हम बहुत लंबा सोच रहे हैं ब्रो दैट्स अ गुड थिंग एंड दैट्स व्हाई वी आर ओके विथ लाइक दैट स्लैब बाय स्लैब ग्रोथ यू नो कि भाई अपने दम पे एग्जैक्टली इतना ग्रोथ हो गया इतना काफ़ी है अपने दम पे थोड़ा सा और हो गया आज उतना काफ़ी है यू नो व्हाट आई मीन या And I just like forever want to be in conversations. Like I am, but yeah, whatever. Yeah. What is the story for this? What is this? This? Yeah, yeah. Story. This is a dragon. Bro, none of my tattoos have any meaning. Okay. Okay. Mera mera funda kya hota hai? This is the latest one. Mera funda usually kya hota hai ki. मैं जो भी कंट्री ट्रैवल करने वाला होता हूँ तो वहाँ पे एक टैटू आर्टिस्ट मैं ऑलरेडी देख के उसको फॉलो करके रखता हूँ और उसके अराउंड यूजली ट्रिप प्लान करता हूँ एंड टैटू आर्ट ब्रो इंडिया में ना एक बहुत फर्क है टैटू में और बाहर इंडिया में कैसा है अपन जाते हैं बोलते हैं भाई मैं कैमरा मैन हूँ मेरे को कैमरा बना के दे यू नो तो वो और इधर मेरे को ये बना के दे मम्मी का फोटो बना के उधर वो सब नहीं रहता है उधर कैसा है दे मेक अ फ्लैश फॉर द सीजन कि आई वॉन्ट टू डू दीज टैटूज एंड देन यू चूज फ्रॉम दैट ओके और दे हैव अ पर्टिकुलर स्टाइल एंड यू चूज लाइक फ्रॉम दैट स्टाइल ओनली दे विल डू इट सो आई यूजली नेवर चूज माई टैटूज आई विल पिक फ्रॉम द फ्लैश बिकॉज आई रियली लव दैट एंड दैट्स व्हाई देयर इज एब्सोल्युटली नो मीनिंग टू इट ओके एंड That's yeah. I that's my whole tattoo vibe. अब जैसे पहले दो tattoo थे bro ये देख ओम कराया मैंने यहाँ पे. ये क्या ये क्या tattoo ये क्या? अच्छा ना scissors. Yeah, scissors और measuring tape. Wanna be fashion designer. Oh. You know मैं बोला I dedicated. Bro मैं आज ढंग से देख रहा हूँ यार इसको. Just said कि bro cameraman बनवाएगा. Designer के. ये bro ये India में किया है ना? यही tattoo मैंने India में किया है. India में किया है. ये India में किया है. अरे भाई. तो yeah. तो अभी भी लाइक यू नो वी सॉ दिस वेरी फर्स्ट हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब ऐसा नहीं है कि वी वर डाउटिंग अबाउट एनीथिंग बट यू रियली डिड दीज छोटे छोटे टैटूज वेरी इंस्टेंटली हार्डली 10 सेकंड्स एंड यहाँ पे दो वहाँ पे दैट्स वेरी क्रिएटिव वर्क टू बी ऑनेस्ट तो हाउ डिड यू गेट दिस डिड यू लर्न इट व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू नो हाउ डिड यू पिक दिस स्टाइल ऑफ सो इट डिडंट इट फील्स लाइक आई डिडंट पिक इट ब्रो लाइक आई फील लाइक इफ यू डू anything if you have to do whatever you want to do you do a lot of it you do so much of it that you start to find similarity okay you know like agar for example if I start to like again if when we are talking about cameraman like if I start to take a shit ton of pictures right if I start to make a shit ton of videos you will realize bro ye style na isi ka hai and then you focus on that like yeah. तो मैं इतना ड्रॉ करता था इतना ड्रॉ करता था इतना ड्रॉ करता था कि एक पॉइंट पे आई ओनली स्टार्टेड लुकिंग एट लाइक आई कुड ऑल्सो आइडेंटिफाई इमीडिएटली कि ओ आई कैन सी दिस एंड दिस इज लुकिंग सेम एंड देन दिस पार्ट ऑफ दिस इज ऑल्सो लुकिंग सेम यू नो तो ये फेस कभी इतना क्लीन नहीं था इट यूज टू बी लाइक अ वन लाइन ड्रॉइंग एंड आई यूज टू ड्रॉ विद बोथ हैंड्स एंड whatever whatever and dheere 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 by minimalizing it and it reached here when I used to draw bro my dad still will when we are sitting at dinner or we live separately but whenever I'm at his house and then he would tell me ke
क्या करता था ना तू पेपर पे और क्या हो गया ब्रो. फर्स्ट टाइम लॉकडाउन के बीच में there was something I was doing on a paper and I had posted a story और किसी ने मेरे को बोला bro I want to buy it. तो मैंने बोला ठीक है give me 5,000 okay. और उस टाइम पे जब मेरे को जीपे पे वो 5,000 rupees आए, मैं पापा को बोला कि भाई मैंने 5,000 rupees में बेचा. एंड माई डैड वाज टेलिंग मी ब्रो एक दिन तेरी वाट लगेगी देखना, तू चूतिया बना रहा है लोगों को, ये 5,000 rupees का नहीं हो सकता, तू ये पेपर कैसे बेच सकता है 5,000 rupees का, यू नो व्हाट आई मीन. एंड नाउ लुक एट दिस, आई मीन दैट सेम ब्रो लाइक सम इंटर्न एट माई स्टोर एंडेड अप सेलिंग 2 these size papers for 3 lakhs. Damn. 3 lakhs, bro. And now he's like, अब तो समझ में आ रहा है, अब तो तू मतलब. So bro, like people are buying signed t-shirts from our store for 25k each. Signed t-shirt buying. So there will always be like these 2-3. If I go to a store, no, what they will do is they'll get a white t-shirt or a black t-shirt and they'll ask me to sign it and or like make a face behind the t-shirt. And they sell it for 25k. And that is something that I am not able to process myself. Different kind of high. Yeah. You know, and I always wanted to be an artist. Like, I want to tap into more areas of art. I might start learning tattooing. This is general. Future mein to ye sare graphic walon ke jobs jaane wale hai. Aisa nahi lag raha hai AI aa gaya hai aur AI kya kya lag raha hai? Insane bro. Apple ne jo wo ya bro ye fir se confused. How can you be confused in 2 consecutive videos bro? Nahi, same thing hai bro. AI Apple wala bhi to hai hi. Main ChatGPT aur wo sab bol raha hu. Wo wala yaar. Aur tu fir udhar chala gaya. लास्ट टाइम उधर नहीं गया, लास्ट टाइम पहले ग्राफिक वाले में गया था क्योंकि तू एआई में उसमें गया था. भाई वीडियो देखना फिर से ब्रो, ये बंदा अरे वही था. ये हमारा पूरा पॉडकास्ट जो है स्क्रिप्टेड है, पूरा पॉडकास्ट, फिर भी ये फंबल मार रहा है. नहीं नहीं, जस्ट किडिंग, आई एम किडिंग. क्या दूध वाली? या ओ भाई, भाई साहब दूध खरीदते हैं पर केजी लीटर में. व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल इन दिल्ली, आई थिंक दे यूज दिस लाइन राइट. यू ओनली टोल्ड मी कि ब्रो इट्स अ इन दिल्ली, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. केजी 1 किलो दूध, दूध विल ऑलवेज कन्वर्ट. भाई मैं आधा लीटर देता हूं 100%, बट 1 लीटर एंड 1 केजी वेटर इज द सेम. या इवन वाटर 1 तो जस्ट इज लॉन्चिंग फॉर इट ब्रो. करेक्ट फॉर्म इज लीटर. हाँ, नहीं लीटर में ही होता है पर पता नहीं यार, वो किलो के हिसाब से ले रहा है. How does it matter? नहीं मैं भी लीटर से ले रहा हूँ, आधा लीटर आता है भाई 40 rupees समथिंग. और दिस डिफरेंट टाइप ऑफ मिल्क, फुल क्रीम, टोन मिल्क, काउ मिल्क. कितने का होता है पर लाइक ब्रो देयर आर लेवल्स टू ब्रो. मेरे साथ एक बारी बहुत वो हो गया था. मैंने ना एक कुत्ता देखा क्यूट सा, मैंने वॉचमैन को बोला जा इसको 5 rupees का दूध पिला दे. अरे यार वॉचमैन बोलता भैया 5 rupees में कुछ नहीं आता. एंड आई लाइक ओ शिट, मेरे को तो लगा दूध पानी से भी सस्ता होगा. व्हाई डू यू थिंक दैट? बहुत टाइम पहले की बात है यार, नहीं पता था. दूध वूध लेने नहीं जाते थे. अभी यू लिव सेपरेटली? या 3-4 साल से आई एम लिविंग ऑन माई ओन. यू डू योर, अब देखो सारे रेट बताऊंगा. अभी नहीं पता, अभी नहीं पता क्योंकि हाँ क्योंकि अभी देख जब पहले अभी शेफ 2 साल हाँ अब शेफ है और वो है मतलब पहले 3 साल मैं खुद रहता था तो 3 टाइम बाहर से मंगाता था खाना. और अब तो चलो ठीक है नाइस. व्हाट इज दैट वन कोई गंदी आदत है डीएमटी वगैरह कोकेन? Bro, बहुत लोग अज्यूम करते हैं, मेरे को देखते हैं ना काफी कस्टमर्स भी क्या क्या देखते हैं व्हाट लाइक दिस गाय इज ऑल सम कुछ. नहीं मेरे को जैसे ही देखते हैं ना बोलते हैं भाई कम ऐसे सीधा कम वी स्मोक अ जॉइंट. एंड आई एम लाइक आई डोंट स्मोक ब्रो. चल अरे ब्रो लोगों को विश्वास नहीं होता व्हेन आई टेल देम दैट आई स्लीप एट लाइक आवाज बहुत ज्यादा है ना मुकम बस कर ले. आई कांट वेट टू सी दिस वीडियो आफ्टर लाइक आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स 10 years 15 years. अपलोड करेंगे कि नहीं? हाँ ये भी अपलोड वर्दी लग नहीं रही है मतलब ब्रो देख
जब तक मजा नहीं आएगा तो अभी तो फ्लाइट डिले कर चल ठीक है. या वी कैन डू इट लाइक पोस्ट डिनर एकदम रात को 1-2 बजे. तू फ्री है अभी रात फिर से? हाँ तो डिले कर लो एक बार. अरे भाई रुक जा. You just said, हाँ. हमें बहुत अच्छा वीडियो मिला है अभी. कंटेंट मिला.